जहां पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं घटना वाले दिन जो सुरक्षा गार्ड मौके पर तैनात थे उनके भी बयान दर्ज कर रही है सीबीआई। सीबीआई की तरफ से अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है इस पूरे मामले में। जहां पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, तो अब ये बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन जो सुरक्षा गार्ड वहां पर तैनात थे अब उनके बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है सीबीआई। सीबीआई ने दरअसल उन सुरक्षा गार्ड्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया और उनके बयान भी दर्ज किए। वारदात वाली रात जो हॉस्पिटल में तैनात थे, तो कोलकाता रेप केस में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है, वो जो घटना स्थल पर या आसपास मौजूद थे। सीबीआई ने सुरक्षा गार्ड के बयान भी दर्ज किए। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में जो सुरक्षा गार्ड तैनात थे उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। तो सीबीआई ने सुरक्षा गार्ड्स के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की और पूरी घटना की जानकारी मांगी। तो एक तरफ गार्डों से भी पूछताछ को रखी गई, तो दूसरी तरफ अब कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी ये है कि 30 नामों की लिस्ट तैयार की गई है और उस लिस्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इन लोगों से भी पूछताछ होगी। उन 30 लोगों की लिस्ट में जो अभिया के उसके दोस्तों का नाम भी शामिल है। जानकारी ये भी बताई जा रही है कि ये वही दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने ही सीबीआई को दिए हैं। तो लगातार सीबीआई अब जांच का दायरा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सीबीआई ने हॉस्पिटल के गार्डों से पूछताछ की है, पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की है, तो वहीं अब ये जो जानकारी है कि 30 लोगों से भी पूछताछ चल रही है जो लिस्ट तैयार हुई है। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जिसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर में गुस्सा है। कोलकाता में हुए बवाल के बाद देश भर में उबाल नजर आ रहा है। यही कारण है कि आज 24 घंटे ओपीडी बंद रहने वाली है, तो डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। संदीप घोष से भी अब पूछताछ तेज होती हुई दिखाई दे रही है, उन पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो वही दरिंदों पर सियासत भी अपार होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही इस घटना को लेकर अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है उसे देखकर समझा जा सकता है कि कैसे बंगाल में हुए कोलकाता में हुए इस रेप कांड के बाद देश भर में गुस्सा है। ओपीडी आज बंद रहने वाली है, तो डॉक्टर्स की हड़ताल भी आज देखने को मिलने वाली है। तो आपको बता दें कि बिटिया से हुई बर्बरता के विरोध में देश भर में उबाल है और इसी कड़ी में डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो वहीं ओपीडी सेवाएं भी 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। लेकिन उधर सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब सीबीआई इस पूरे केस के तह तक जाने के बेहद करीब है। और इसी कड़ी में पूर्व प्रिंसिपल के भी बयान दर्ज किए गए, लेकिन क्या कुछ पूर्व प्रिंसिपल ने कहा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल के बिटिया के साथ हुई बर्बरता के बाद उपजा आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां देश भर में नाराज लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वही स्वास्थ्य कर्मी भी अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं जो कोलकाता में हुई दरिंदगी के असली गुनाहगारों को पकड़ने के साथ साथ अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। आईएमए ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में 17 अगस्त को स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जा रहे डॉक्टरों ने शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक मेडिकल सेवा बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी सेवाएं ही दी जाएंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया कि यह हड़ताल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर की जा रही है, जो मेडिकल स्टाफ पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए है। इस कानून के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, तो वकी 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। जिसे हम अपना घर समझते हैं, जिस हॉस्पिटल में जहाँ पे हम पूरे दिन काम करते हैं, हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित है? हमारा घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए, जांच केवल काफी नहीं है। अभी भी सीरियस स्टेप्स नहीं लिया जाता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हो, तो हमारी यही मांग है कि ये ऐसा आगे किसी के साथ कभी ना हो और हमें डर के काम ना करना पड़े। वह हमारी यही डिमांड है कि एक तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। स्टेट वाइज प्रावधान है सब जगह की
डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के प्रावधान है लेकिन कोई भी सेंट्रलाइज प्रावधान नहीं है, तो वो एक हमारे डिमांड है, वो होना चाहिए। और दूसरा, फीमेल डॉक्टर्स के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें कोई डॉक्टरों को एक प्रोटेक्शन एंश्योर की जा रही है, और साथ में साथ एप्ट अमाउंट में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी कैमराज होने चाहिए। एज डॉक्टर्स हमारी सिर्फ एक ही गुहार है कि प्लीज जस्टिस प्रोवाइड की जाइए, हमारी डिमांड है सबसे बड़ी, सबसे मेजर डिमांड हमारी है। और दूसरा कि वर्क प्लेस सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाए। उसकी ये गलती थी कि उसने 10 साल अपनी जिंदगी मेडिकल फील्ड को देके रेस्ट करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार रूम में चले गई, जहां पे उसके साथ रेप एंड मर्डर किया जाता है। उसके लिए जो क्रिमिनल जस्टिस है, जो उसके होना चाहिए क्रिमिनल एक्शंस, उनको दबाया जा रहा है। एक तरफ कोलकाता कांड पर बंगाल में बवाल है, तो दूसरी तरफ देश भर में उबाल है। इससे इतर जांच में जुटी सीबीआई टीम के तीखे सवाल, जिनका सामना पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को करना पड़ा। पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पीछा कर पकड़ा, जिन पर पूछताछ से बचने की कोशिश का भी आरोप। जिनसे सीबीआई की टीम ने पूछताछ की, आपको बता दें कि वारदात के वक्त यही कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिनके नाम का जिक्र कोलकाता पुलिस की जांच में भी हुआ था। सच से पर्दा हटाने सुराग ढूंढते सीबीआई को कोलकाता पुलिस की झुलमुल जांच, अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और लापरवाही की वजह से कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यही वजह है कि जांच का दायरा बढ़ाती सीबीआई ने हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्डों को भी बयान दर्ज करने के लिए बुला लिया, जो वारदात वाली रात हॉस्पिटल में ही तैनात थे। साथ ही सीबीआई ने पूछताछ के लिए 30 लोगों की एक लिस्ट भी तैयार की, जिनमें अभिया के कुछ दोस्त भी शामिल हैं, जिनके नाम पीड़ित परिवार ने ही सीबीआई को दिए थे। इससे पहले टीम ने अभिया के माता पिता के बयान दर्ज कराए थे, जिसके आधार पर 5 डॉक्टरों से भी सवाल जवाब किए, तो वकील मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल से भी पूछताछ की। इतना नहीं, फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से सबूत जुटाए हैं। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई घटना के बाद देश भर के लोगों में गुस्सा है, जो प्रदर्शन के साथ साथ आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। मगर इन सब के बीच होती सियासत भी सवालों के घेरे में है, जो सिस्टम की खामियों पर सिसकियां ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता से इतर एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की, जहां मामूली चाकूबाजी की घटना के बाद तनाव देखने को मिल रहा है। उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ आज स्कूल और कॉलेज भी बंद रहने वाले हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, आरएएफ की 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो उदयपुर के एक स्कूल में 2 छात्रों के बीच विवाद हुआ, एक छात्र ने दूसरे को चाकू से घायल कर दिया, जिसके बाद तनाव देखने को मिल रहा है।